हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में सीधे सीधे जो है इसका कॉपी छपने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से, जिसमें दिया हुआ है ग्रामीण नगर सातत्य की अवधारणा किसने दी थी, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी रेडफील्ड। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन की जितियोरा कहा जाता है, निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है, जिसमें चार ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा सही होगा, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मुंडा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, डेंजरस ड्रग्स एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा 1930 यानी ए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसने कहा नगरी एक जीवन पद्धति है, किसने कहा था नगरीयता एक जीवन पद्धति है, जिसमें चार ऑप्शन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी विर्थ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ग्रामीण एक नगरीय समुदाय के पृथक करने का मुख्य आधार है, ग्रामीण एक नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी व्यावसायिक प्रकृति। ठीक है, व्यवसाय की प्रकृति। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई जो है पहले शुरू हुई थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी बंबई विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मानव समाज एक संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, जिसका आंसर हो जाएगा गांव से जाल के रूप में या शहर से नगर से या इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा गांव से का जाल के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, किस विद्वान ने समाज के सामाजिक संबंधों में परिभाषित किया था, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों में परिभाषित किया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल में विभाजन की घोषणा की गई थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्नल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्व प्रमुख आधार क्या है, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का प्रमुख आधार वो है क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा पसी यानी अर्थ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, अगला प्रश्न आपका इसमें दिया हुआ, इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें सभी, यानी उच्च जन्म दर के जिम्मेवार जो है शिक्षा का अभाव है, गर्म जलवायु है और बाल विवाह है, इनमें से सभी हो जाएगा यानी डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1872 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, टीके उम्मन के संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है, जिसका आंसर हो जाएगा दो आयामों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ था, भारतीय समाज का विभाजन जो है कई आधारों पर हुआ था, यह विभाजन ही है जिस जो समुदाय है या फिर उपनिवेशवाद है या राष्ट्रवाद है या डी वर्ग, जिसका आंसर हो जाएगा समुदाय के रूप में। ठीक है, कई विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जनसंख्यांकी शब्द किस भाषा से लिया गया है, जनसंख्यांकी जो है शब्द किस भाषा से लिया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी ग्रीक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजक चक्र से है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जनसंख्याकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है, जनसंख्याकी के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या की बनावट, जनसंख्या के वितरण, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा खाद्य समस्या, आवास की समस्या या रोजगार की समस्या, डी नंबर है ठंडे मौसम में सर्दी लगना, इसका आंसर हो जाएगा ठंडे मौसम में सर्दी लगना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है,
जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं, जनजातीय समाज में जो है साथी प्राप्त जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मुस्लिम विवाह में कितने प्रकार के होते हैं, मुस्लिम विवाह जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ए यानी 2। अगला प्रश्न है, उस व्यवसाय को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है, उस व्यवसाय को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर जो है संबंधों को नियमित करती है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी नातेदारी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो कौन सा आंसर क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया है, धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी टॉयलेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है, तो जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी राजपूत एक जाति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी परिवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी भील। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है, कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, भील नामक जनजाति जो है वो किस राज्य में निवास करती है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ जनजाति समाज में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है, जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी शर्म विभाजन। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मुस्लिम विवाह है एक क्या है, वो संस्कार है, समझौता है, मित्रता है, या डी है इनमें से कोई नहीं, जो उसका आंसर हो जाएगा यानी समझौता। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा था धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी टॉयलेट। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित हुई थी, डेंजरस ड्रग्स वर्ष जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 1930। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किस प्रकार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है, किस प्रकार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी एकाकी परिवार, एकाकी परिवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी ग्रामीण समाज में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 पारित किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा 65वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद आधार क्या होता है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद आधार क्या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जाति। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है, जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका शर्म विभाजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सर हर्बर्ट रिजले के नेतृत्व में किस वर्ष जाति आधारित जनगणना आयोजित की गई थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी सन 1901। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है, जिसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है, जिसका ए हो जाएगा यानी हिंदू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जाति, ये वर्ग नहीं है एक जाति है। ठीक है, चलिए राजपूत यानी एक जाति है, वर्ग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, प्राचीन भारत समाज कितने वर्णों में विभाजित था, प्राचीन भारतीय समाज जो कितने वर्णों में जो है विभाजित था, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 4। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बाजार क्या है, बाजार जो है वो क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका
एक संस्था है, एक सामाजिक समूह है, एक समुदाय है, इनमें से कोई नहीं, वो जो है एक सामाजिक समूह है। चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, चलिए अगला प्रश्न है आपका, धोराई किस राज्य में है, धोराई किस राज्य में है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यह बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य से पूर्णतः मुक्त होता है वो कहलाता है मुक्त या खुला बाजार। ठीक है, ए नंबर आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ, बिहार में जो है बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 2020। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, मुस्लिम महिला को संपत्ति के अधिकार के विवाद में किसका नाम जुड़ा हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, निम्न समूह में से किसके आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं, निम्न समूह में से किसे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी पारसी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या होता है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या होता है, उसका हो जाएगा बी यानी जाति। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी 335 धारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद आधार क्या होता है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद आधार क्या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जाति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितना प्रतिशत था, ठीक है, जो जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 16.2%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका आंसर हो जाएगा आपका काका कालेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, किस वर्ष संसद में 3 तलाक पास हुआ था, जो हाल ही में हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2017। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, क्या सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, क्या सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, तो बिल्कुल इससे सहमत है। ठीक है, ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कृषि पर निर्भरता, देश में पूंजी का अभाव और राजनीतिक एवं सरकारी नीतियों की वजह से, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी प्राचीनता, धार्मिक सहिष्णुता या मौलिकता, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी उपर्युक्त, सॉरी यानी इसका आंसर हो जाएगा मौलिकता। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, संस्कृतिकरण का अवधारणा किसने विकसित किया है, संस्कृतिकरण का अवधारणा किसने विकसित किया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी M.S. श्रीनिवास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत का विभाजन के पूर्ण में किस वर्ष देखा गया, जिसका आंसर हो जाएगा सन 1942। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या है, जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा नगरीकरण, औद्योगिकरण और राजनीतिकरण, यानी इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी अनेकता में एकता। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नांकित में सीमांतिकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाता है, निम्नलिखित में से सीमांतिकरण को किस प्रकार की जो है प्रक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन ए है सकारात्मक प्रक्रिया, नकारात्मक या सांस्कृतिक प्रक्रिया या जो है आर्थिक प्रक्रिया, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सकारात्मक प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी पश्चिमीकरण। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है, कौन जनजाति जो है उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी खस जो है उत्तरी पूर्वी भारत की जनजाति नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, आधुनिकरण संबंध है, आधुनिकरण संबंधित है, उसका आंसर हो जाएगा पसी यानी अर्जित परिस्थिति से। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपका दिया हुआ मैकावर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रतिमान है, जिसका आंसर हो जाएगा यानी 3। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों के कितने प्रकार हैं, लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों के कितने प्रकार हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 2 यानी 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे प्रतिपादित किया है, संस्कृतिकरण अवधारणा जो है किसने प्रतिपादित किया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 2 यानी SN श्रीवासन। ये काफी VVI, ठीक है, पढ़ के जाइए इसको। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आधुनिकरण की अवधारणा किसने दी है, आधुनिकरण की अवधारणा किसने दी है, जिसका आंसर हो जाएगा डेनियल लर्नर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी, जिसका आंसर हो जाएगा B.R. अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा C यानी 29। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है किस प्रकार का है, तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी B नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, इसका हो जाएगा त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा D यानी ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा C यानी बाल विवाह एक्ट को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कितने वर्ष के अंतर्गत के बच्चों को किसी दंडनीय अपराध माना जाता है खतरनाक कार्य में लगाना, जिसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चे उम्र के बच्चे को आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी, जिसका आंसर हो जाएगा D यानी भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न आपका जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा C यानी 1951। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हरित क्रांति के प्रथम चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा C यानी 1961। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति का कार्य है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति का कार्य है, जिसका आंसर हो जाएगा D यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, निम्नलिखित में कौन सा कारक जो जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका D यानी इनमें से सभी, वैश्वीकरण है, औद्योगिकरण, नगरीकरण। ठीक है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, यानी समाज किससे परिवर्तित नहीं होगा, जिसका आंसर हो जाएगा D यानी बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जिसके स्वामित्व और प्रबंधन तथा स्थापना एवं विकास का दायित्व परिपूर्ण से केंद्रीय सरकार को सौंपा गया है, उसे किस श्रेणी में रखा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा D यानी 1991। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा उपभोक्तावाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक को किसने लिखा है, जिसका आंसर हो जाएगा B यानी जो है गिडेंस। ठीक है, B यानी गिडेंस। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या होता है, भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा A यानी भौतिकवाद दर्शन। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, जिसका आंसर हो जाएगा B यानी सन 1991। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है वो छूट गया है। चलिए FM रेडियो की शुरुआत हुई थी, FM रेडियो की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका FM रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका D यानी 1993 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है, जिसका आंसर हो जाएगा B यानी पाश्चात्य संस्कृति से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भारत में सामान्य ग्रामीणों एवं जनसंचार के किस
साधन का प्रचलन सबसे अधिक है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी रेडियो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, बांध के खिलाफ आंदोलन के नेतृत्व में किसने प्रदान किया था। बांध के खिलाफ आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी मेधा पाटेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी किसान आंदोलन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी बिरसा मुंडा, नाम से ही पता लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई थी। दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई थी, जिसका आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो ये आप लोग बार बार पढ़े हैं, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है, जिसका आंसर हो जाएगा जॉनसन। ठीक है, चलिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये, पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। कौटिल्य द्वारा जो है लिखित पुस्तक का नाम क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, जो आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और जो है वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे आप लोग, ठीक है, जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक कर दें, और जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग नए हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग बीए के बाद जो है ग्रेजुएशन के लिए हम लोग बैच चालू करने वाले हैं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और जो है लाइक कमेंट कर दें, कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कितना आप लोगों का सही हुआ है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ख़त्म करते हैं इसे। जय हिंद, जय भारत।